दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ODS के ऑडियो कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में। एंट्री लेवल्स और आने वाले दिनों आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। करंटली कॉइन 0.18 पर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छे डाउन ट्रेंड, एक अच्छे डिप के अंदर अभी भी इस कॉइन की प्राइस हमें देखने को मिल रही है और एक अच्छी पॉजिटिव इस कॉइन के अंदर निकल के आई है। जो भी इस कॉइन में एंट्री देख रहे हैं उनके लिए बात करें कौन से आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट्स रहेंगे और आने वाले दिनों आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजर बना रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडीज शेयर की जा सके। चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर की जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। करंटली कॉइन 0.182 पर ट्रेड कर रहा है। 15 मिनट का चार्ट ओपन है और अभी कल हमने एक बड़ा डंप देखा था, फ्लक्चुएशन देखने को मिली। नॉर्मली अगर देखें तो जब भी US मार्केट ओपन होता है और क्लोज होता है उस टाइमिंग में हमें मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता, फ्लक्चुएशन देखने को मिलती, अप एंड डाउन देखने को मिलता। तो यहाँ पर अगर देखें कल BTC ने इंस्टेंटली 29,500 वाला लेवल ट्राई किया था और फिर पंप देखने को मिला। यहाँ पर अगर देखें तो 186 वाले लेवल से प्राइस 164 पर चली गई थी, यानी कि 10-12% का इंस्टेंट डंप देखने को मिला, 12% से भी ज़्यादा का इंस्टेंट डंप देखने को मिला था और फिर प्राइस वापस रिकवर कर गई। 186 से डंप देखने को मिला था, 182 पर ट्रेड कर रहा। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो जो रीसेंट वाला डंप था जहाँ पर इस कॉइन ने 0.147 वाला लो बनाया था, वहाँ से भी इस कॉइन ने अच्छी रिकवरी की थी। 21 तक प्राइस चली गई थी, 50% तक ये कॉइन रिकवर हुआ था, लेकिन उतना अच्छा ब्रेकआउट अभी देखने को नहीं मिल रहा, उतना अच्छा मोमेंटम नहीं है कि जो ऑलमोस्ट 1.4 वाला लेवल है वहाँ से अभी हमें नॉर्मल इस कॉइन में को 2728 पर ट्रेड करते हुए देखना था। इस लेवल पर इस कॉइन की प्राइस चली जानी थी, लेकिन उतना मोमेंट हुआ नहीं है अभी तक। 147 से अभी की प्राइस को अगर मेज़र करें तो 20% से ज़्यादा की रिकवरी हुई है, सिर्फ 20% के अराउंड की रिकवरी इस कॉइन में देखने को मिली है, जो कि बहुत कम है। नॉर्मली दूसरे जो कॉइन्स है, ये एक NFT बेस्ड कॉइन है, दूसरे जो कॉइन्स है चाहे हम DeFi की बात करें, Layer 1 Layer 2 ब्लॉकचेन कॉइन्स की बात करें, इनोवेशन जोन से रिलेटेड कॉइन्स की बात करें या मेटावर्स के कुछ कॉइन्स की बात करें, उनमें अच्छी रिकवरी हुई है। और ऐसे कॉइन्स हमने शेयर किए थे आपको जो 10th of June वाला जो डंप था, उसके बाद का जो भी टाइम पीरियड था जहाँ पर BTC स्टेबल था, BTC ने ज़्यादा मूवमेंट नहीं लिया था, उस टाइम फ्रेम में हमने अच्छे कॉइन्स आपको शेयर किए थे। और उन कॉइन्स में से बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिन्होंने आपको 50%, 60%, 100% तक का प्रॉफिट दे चुके हैं और अभी भी अच्छे लेवल को मेंटेन किया हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कि किन कॉइन्स में ब्रेकआउट नहीं हुआ है, किन कॉइन्स में ब्रेकआउट के चांसेस बन रहे हैं। बैक टू बैक ब्रेकआउट हो रहा है, अल्ट्स कॉइन में बैक टू बैक ब्रेकआउट हो रहा है, इस कॉइन में ब्रेकआउट हो रहा है, नेक्स्ट इस कॉइन में हो रहा है, तो अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है और इस कॉइन का भी नंबर आएगा। तो हम देख रहे हैं कि जिन लोगों ने एंट्री नहीं ली है और कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो अच्छे लेवल पर है, अभी उनमें ब्रेकआउट नहीं हुआ है, उनमें हम आपको एंट्री शेयर करें। ये कॉइन जो है ये NFT बेस्ड कॉइन है और अगर यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की बात करें, 0.182 पर अभी ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर इसको 0.17 वाला जो लेवल था एक अच्छा सपोर्ट एरिया था, जिससे ऊपर हमने पिछली जो डेली क्लोजिंग है, चाहे वो डंप के टाइम की बात करें चाहे अभी बात करें, 1.7 से ऊपर ही डेली क्लोजिंग हमने देखी है। 0.192 वाला जो लेवल है ये इस कॉइन के लिए रेजिस्टेंस एरिया है, जिसको इसने ऊपर ट्राई किया था लेकिन नॉर्मल रिजेक्शन फेस करने को मिला। यहाँ पर अगर एंट्री की बात करें तो एंट्री 182 पर अभी ये कॉइन ट्रेड कर रहा है और 18 पर आपको इस कॉइन में एंट्री लेनी है। यहाँ से क्विक रिकवरी इस कॉइन में देखने को मिलेगी, इंस्टेंटली आपको 20-30-40% का प्रॉफिट कभी भी देकर चला जाएगा। अगर हम BTC की बात करें, BTC 30,400 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से जिस टाइप से ओवरऑल
मूवमेंट हो रहा है, बीटीसी में रिकवरी हो रही है। जुलाई मंथ जो है वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, और जुलाई मंथ में हम बीटीसी 34,000 35,000 तक भी इसकी प्राइस देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस कॉइन में 0.18 वाले लेवल पर एंट्री लेनी है। एंट्री आपको 70% पार्ट से लेनी है, जो भी अमाउंट आप इस कॉइन में लगाना चाहते हैं उसके 70% पार्ट से 0.18। और अगर फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, प्राइस और नीचे ड्रॉप होती है, तो 0.17 पर आपको सेकंड एंट्री लेनी है, जो रहेगी आपकी बाकी 30% पार्ट से। इस टाइप से 70-30 के रसम आपको एंट्री लेनी। देखिए, फर्स्टली तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना है। देखिए, कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं जिनमें कभी मूवमेंट नहीं हो पाता या उनसे रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, तो हमारा अगर इन्वेस्टमेंट, हमारा जो ट्रेड है वो 4 से 5 कॉइन्स में अगर हम करते हैं, तो किसी कॉइन में अगर ऐसा हो जाता है, और मार्केट है, मार्केट में सब की चीज़ें चलती रहती हैं, तो आपका पोर्टफोलियो बिगड़ेगा नहीं। आपका सिर्फ एक कॉइन में डंप देखने को मिलेगा, एक कॉइन में 40-50% का डंप देखने को मिलेगा, उसमें लॉस देखने को मिलेगा, सारे कॉइन्स में नहीं होगा। जब मार्केट गिरेगा, जब ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में डंप होगा, तभी आपका पोर्टफोलियो बिगड़ा या नहीं। तो फिर बैक टू बैक जिस टाइप से अभी पंप हो रहा है, आपका एक लेयर वन लेयर टू ब्लॉकचेन कॉइन्स का कॉइन होना चाहिए, एक आपका मेटावर्स का, एक आपका डीफाई से रिलेटेड, इनोवेशन से रिलेटेड, ये सारे कॉइन्स आपके ऐड होने चाहिए। तो और पार्ट में आपको बाइंग करनी, जैसे अभी मैंने आपको बताया 18 और 17 पर 70-30 के रेशो में एंट्री लेनी है। टारगेट्स की बात करें तो जो इंस्टेंट प्रॉफिट यानी कि क्विक प्रॉफिट अर्न करने के प्रस्पेक्टिव से एंट्री लेंगे, उनके लिए 0.215 वाला फर्स्ट टारगेट रहेगा, जिसको ये कॉइन आने वाले 2-3 दिनों में भी ट्राई कर सकता है। एक अच्छा वॉल्यूम अगर मिल जाता है तो अच्छा ब्रेकआउट होगा, नहीं तो नॉर्मल रिकवरी में भी 0.215 को ट्राई कर लेगा, जहां पर आपको अपना 60% पार्ट सेल आउट करना। सेकंड टारगेट रहेगा 0.235 वाले लेवल, जहां पर आपको बाकी 40% पार्ट सेल आउट करना है। सेल लिमिट आपको लगा देनी है, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं जो मंथली बेसिस पर होल्ड करके 40-50% का प्रॉफिट टारगेट रखते हैं, उनके लिए 0.26 वाला लेवल टारगेट रहेगा। ऊपर की तरफ इस कॉइन को 0.192 वाला रेजिस्टेंस है अभी, इसके बाद 0.22 वाला नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया फेस करने को मिलेगा, उसके बाद 26 वाला लेवल है। तो 26 तक आपको इस महीने में या मिड टर्म में भी 15-20 तक ट्राई कर लेगा, तो उसके आपको सेल लिमिट लगा के रखनी। जैसे इसमें एक बार ब्रेकआउट होता है, मूवमेंट होता है, तो फिर बैक टू बैक आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, और इस टाइप के ब्रेकआउट, जैसे यहाँ इसने 5-2 वाला लेवल ट्राई किया, यहाँ 4-0 वाला लेवल ट्राई किया, तो इस लेवल ऐसे लेवल्स आपको ये कॉइन ट्राई करता हुआ दिख जाएगा। बाकी जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर है वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें, ताकि आप क्रिप्टो लॉसेस से बच पाएँ, ओवर ट्रेडिंग को मैनेज कर पाएँ। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजॉल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें। यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।